नमस्कार दोस्तों मैं हुसूम चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत के बारे में महाभारत जो कि भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट ये रहती है कि क्या महाभारत एक इतिहास है या फिर एक फिक्शनल स्टोरी है एक मिथिकल कहानी है जिसे एक कवि ने अपनी परिकल्पनाओं के आधार पे गुढ़ा या रचा तो इस डिबेट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे तर्क हैं जो इसे रियल में एक इतिहास बताते हैं और कौन कौन से वो तर्क हैं जो इसे एक मिथक बताते हैं एक माइथोलॉजी या एक फिक्शन कहानी बताते हैं तो उन चीजों के ऊपर तो हम चर्चा करेंगे ही लेकिन इसके अलावा महाभारत की समरी हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आप जानते हैं कि महाभारत एक लाख श्लोकों वाला इपिक है तो उसकी कहानी को एक ही लेक्चर में बताना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन हम शॉर्ट में इसे पढ़ेंगे उसके अलावा इस इपिक का जो डेवलपमेंट हुआ कि इसे कौन से कालखंड में लिखा गया और शुरुआत में कितने श्लोक थे उसके बाद कितने हुए और उसके बाद एक लाख श्लोक का ये महाकाव्य कैसे बना उसके बारे में हम बात करेंगे आप सभी ये बात तो जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास की रचना है महाभारत लेकिन उसके अलावा और ऋषियों का भी इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी भी हम चर्चा करेंगे महाभारत के अंदर जिन वंशों की बात की गई है जिन ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात की गई है उनके बारे में चर्चा करेंगे कौन से कालखंड की बात करी गई है उसकी हम बात करेंगे सभी चीजों का हम चर्चा में शामिल करेंगे महाभारत में कौन कौन से खंड हैं कैसे उसको लिखा गया ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं ओके तो चलिए देखते हैं कि महाभारत इपिक के बारे में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या जानते हैं उसको तो हम इन्हीं एक दो स्लाइड में कवर कर लेंगे ठीक है वो आप ऑलरेडी जानते भी होंगे तो महाभारत जो है वो कौरवों और पांडवों के बीच के एक संग्राम की कहानी है उनके बीच में जो युद्ध लड़ा गया जिसे धर्म युद्ध भी कहा जाता है जिसमें यह माना जाता है कि पांडव जो है वो धर्म की तरफ थे धर्म यहां पे ड्यूटी की बात हो रखी है और वो सही दिशा में थे वो सही का साथ दे रहे थे और कौरव जिनके Later के तौर पे दुर्योधन को देखा जाता है के जो पुत्र थे उनको देखा जाता है वो गलत दिशा में थे और वो धर्म के विरोधी थे तो उनके बीच में एक युद्ध हुआ कौरव और पांडव जो कि कजिन्स थे कजिन ब्रदर्स थे और कुरु वंश से ये बिलोंग करते थे उनके बीच में युद्ध हुआ हस्तिनापुर के थ्रोन को जीतने के लिए वो युद्ध हुआ था उसके अराउंड ये कहानी रिवॉल्व करती है आप ये जानते हैं और महाभारत जो है वो रामायण की ही तरह भारत में हिंदुइज्म का एक और महत्वपूर्ण इपिक है जिसे हिंदुइज्म में इतिहास माना जाता है और बाकी लोग कई ऐसे लोग जो हैं स्कॉलर्स जो उसमें हुई घटनाओं को साइंटिफिकली सही नहीं मानते वो उसे माइथोलॉजी करार देते हैं ठीक है दोनों की बात करेंगे कि क्या क्या रीजन है दोनों के जो रिलीजन को मानने वाले लोग जो उसे इतिहास बताते हैं उनका भी तर्क जानेंगे और जो उसे माइथोलॉजी बताते हैं उनका तर्क भी आगे जानेंगे तो ये जो घटना है ये जो इपिक है इसको कृष्णा द्वापयान व्यास नाम के एक महर्षि ने इसकी रचना करी थी जिन्हें वेद व्यास कहा जाता है शोर्ट में लेकिन वेद व्यास का नाम तो एट्रीब्यूट किया ही जाता है और यह भी कहा जाता है कि उनको लिखने का काम जो है वो गणेश जी ने किया जो कि भगवान है गणेश जी जो आप जानते हैं भगवान शंकर जी के बेटे हैं उन्होंने लिखा और ये वर्सेस लिखे गए लेकिन कब लिखे गए कैसे ये कहानियाँ डेवलप हुई और एक नहीं बल्कि बहुत सारी कहानियाँ हैं इतनी ही कहानियाँ नहीं है कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध लड़ा गया उसके बीच में कई छोटे छोटे इवेंट्स आते हैं उनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं अलग अलग कैरेक्टर को अपने हिसाब से डेवलप करके बताया गया है उसके अलावा इसमें फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेज भी हैं और डिवाइन फोर्सेस की भी बात हो रखी है ऋषियों की भी बात हो रखी है और अलग अलग लोगों के पास किस तरीके की पावर्स हैं किस तरीके के उनके पोर्टफोलियो हैं उन तमाम चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन हो रखा है तो बहुत बड़ा महाकाव्य है एक लाख वर्सेज वाला महाकाव्य है जो कि आज तक हमें जितने महाकाव्य मिले हैं दुनिया भर में उनमें सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट इन इपिक पोए के तौर पे इसे देखा जाता है जिसका कंपोजिशन टाइम जिसे लिखा गया था बेसिकली कंपोज किया गया था वो माना जाता है कि 400 सौ से 400 सौ के बीच में से लिखा गया किसी एक ही दिन बैठ के या एक दो साल में से नहीं लिखा गया बहुत लंबे अरसे तक इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ तब जाके ये लिखा गया तो 400 सौ से 400 सौ एटी के बीच का जो समय काल है वो आपको नजर आ रहा है कि तकरीबन कितना समय हो गया 800 सालों का समय हो गया 800 सालों में जब एक एपिक डेवलप होगा और उसे कंपोज किया जाएगा तो सोचिए उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी क्या क्या परिवर्तन आएंगे वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे और उसका डेवलपमेंट भी उसी तरह से हुआ इसी महाकाव्य के अंदर हिंदुइज़म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बुक है भगवत गीता जिसे हम सेपरेटली भी पढ़ते हैं सेपरेटली भी वो मिलती है आपको लेकिन वो इसका एक अध्याय है वो तो इसका एक पार्ट है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र वार हो रहा था कुरुक्षेत्र के बीच में जो लड़ाई हुई कौरवों और पांडवों के बीच में और जब अर्जुन ने मना कर दिया कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ अपने सगे संबंधियों के साथ अपने कजिन ब्रदर्स के साथ और अपने पूर्वजों के साथ युद्ध नहीं लड़ेगा सिर्फ एक थ्रोन के लिए एक तख्त के लिए जिसके ऊपर उसे उसके भाई को बैठना है और उनके ऊपर रूल करना है चाहे वो तार्किक की क्यों ना हो चाहे वो धर्म के पक्ष में ही ना हो लेकिन वो अपने अपनों का वध करके वो तख्त नहीं चाहता है तब भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवत गीता उसे सुनाते हैं बताते हैं भगवत गीता का मतलब क्या हुआ भगवान का गीत भगवान उसे धर्म की परिभाषा बताते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा कर्म क्या है तुम्हें क्या करना है तुम्हें ये नहीं देखना है कि सामने कौन है तुम्हें सिर्फ अपना फर्ज निभाना है अपनी ड्यूटी निभानी है जिसे धर्म भी कहा जाता है ठीक है तो वो जो है किस्सा पूरा भगवत गीता का वो भी महाभारत का ही पार्ट है तो ये अपने आप में इस एपिक को और शानदार लाजवाब बना देता है क्योंकि भगवत गीता ऐसा माना जाता है ना कि उसमें हर सवाल का जवाब है आपके जीवन में आने वाली हर एक कठिनाई और हर एक सवाल का जवाब वहां पर मिल जाता है ऐसा हिंदुइज्म में माना जाता है अब जो बात आती है कि ये जो कहानी है जिन कैरेक्टर्स के अराउंड घूमती है उन कैरेक्टर्स को और उनकी वंशावली को थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो लीजेंडरी किंग भरत माने जाते हैं जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा भारतवर्ष पड़ा उसी वंश की बात हो रही है उसमें एक उनके जो है डिसेंडेंट्स थे कुरु उसके नाम पे भी इनकी वंशावली को कहा जाता है वंश तो कुरु के चार पांच पीढ़ियों के बाद एक राजा आते हैं शांतनु वहां से महाभारत की कहानी शुरू होती है शांतनु जो है उनकी पहली वाइफ होती है गंगा गंगा जो कि एक रिवर भी है भारत में एक पूजनीय रिवर के रूप में माना जाता है और उनका एक फिजिकल स्वरूप इसमें दिखाया गया है उनको एक देवी के तौर पे दिखाया गया है और गंगा ने शांतनु से जब शादी करी थी तब एक वचन लिया था कि शांतनु कभी भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे और गंगा के बेटे हुए एक के बाद एक बेटा हुआ और उन्होंने सात बेटों को नदी में प्रवाहित कर दिया तो शांतनु फ्रस्ट्रेट हो गए और आठवें पुत्र को जिनका नाम आगे चल के भीषण पड़ता है और शुरुआत में नाम देवव्रत था उनको जब बहाने के लिए जाती हैं तो वो सवाल पूछ लेते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे बेटों को तुम नदी में क्यों प्रवाहित कर रही हो तो गंगा कहती हैं कि तुमने सवाल पूछ लिया और मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी लेकिन मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें जरूर दूंगी और वो ये है कि ये जो बेटे हमारे हुए हैं ये श्रापित थे इनको इंसानी स्वरूप में जन्म लेना था और मैं इनको एक तरह से यहाँ से मुक्त मुक्ति दिला रही थी लेकिन ये जो बेटा है देवव्रत ये अब इसे नदी में नहीं प्रवाहित किया जा सकता क्योंकि तुमने सवाल पूछ लिया है तो फिर देवव्रत बड़े होते हैं तो पहला जो पुत्र था शांतनु के बेटे के तौर पे वो थे भीष्म जिन्हें गंगा पुत्र भीष्म के नाम से भी जानते होंगे आप आपने महाभारत सीरीज देखी होगी एक तो पुराना महाभारत आता था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ 80's, 90s के दशक में और उसके बाद एक महाभारत बाद में भी आया स्टार प्लस का जिसको मैंने नहीं देखा पुराने वाले को मैंने देखा है और वो मुझे काफी पसंद भी है बहुत ही कमाल के तरीके से उसको बनाया गया तो पुरानी रामायण पुराना महाभारत जो है वो आपने शायद देखा होगा उसमें आपको भीष्म पितामा का जो रोल था उसको भी याद होगा तो वो भीष्म जो है

जो कि जिनका विष्णु पुराण में जिक्र भी मिलता है उनके साथ एक क्या कहते हैं नियोग क्रिया के तरह देखो एक तो फिजिकल क्रिया बच्चे पैदा होते हैं है ना वो है लेकिन एक इस परंपरा में ऋषि मुनियों की परंपरा में एक नियोग क्रिया बताई जाती है अब हमें उसके बारे में पता नहीं कि एग्जैक्टली कैसे होता है लेकिन उसके थ्रू एक बच्चा पैदा हुआ था एक लड़का पैदा हुआ था वही थे महर्षि वेद जो आगे चल के वेद के नाम से मशहूर हुए तो सत्यवती के ही बेटे थे वेद जो कि शांतनु की आगे चल के वाइफ बनती हैं और इस शर्त पे वो वाइफ बनती हैं कहा जाता है कि सत्यवती ने ये वादा मांगा था शांतनु से कि उनका जो बेटा होगा शांतनु के साथ सत्यवती का जो बेटा होगा वही आगे चल के वंश का और हस्तिनापुर का राजा बनेगा भीष्म नहीं बन सकते तो शांतनु इससे बहुत परेशान हो गए कि ऐसा होगा तो फिर भीष्म को ही राजा बनना चाहिए तो वो शादी नहीं कर पाएंगे तो उस समय देवव्रत ने जिनका नाम आगे चल के भीष्म पड़ा है उन्होंने प्रतिज्ञा ली जिसे भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है कि वो आजीवन आज ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे कभी विवाह नहीं करेंगे और कभी राजा नहीं बनेंगे जिससे क्या होगा कि वो रास्ते से हट गए तो सत्यवती के जो बेटे होंगे वही राजा बन पाएंगे जिसकी वजह से शांतनु ने उनके बेटे के आज्ञाकारी होने की वजह से उन्हें एक श्र... वो दिया था वरदान दिया था कि इच्छा मृत्यु का वरदान आपको रहेगा कि भीष्म जब चाहे तभी मरेंगे वरना उनको कोई मार नहीं सकता और कोई भी तरीके से वो मरेंगे नहीं कोई उनकी जान नहीं ले सकता उनकी मर्जी के खिलाफ तो इसीलिए उनको जो है ये वरदान भी मिला था अब सत्यवती के दो बेटे हुए थे एक का नाम था चित्रगंध और दूसरे का नाम था विचित्र ठीक है अब चित्रगंध जो थे वो तो अर्ली एज में ही उनकी बैटलफील्ड में डेथ हो गई थी मारे गए थे वो फिर विचित्र की शादी हुई थी दो लड़कियों से अंबिका और अंबालिका एक और थी अंबा भी अंबा की वजह से ही भीष्म पितामा की आगे चल मृत्यु भी होती है तो हरण करके लाते हैं अंबिका और अंबालिका का विचित्र वीर्य से विवाह करने के लिए भीष्म पितामा लाते हैं और उनके साथ विवाह हो जाता है अब विचित्र वीर जो है उनका दो बीवी होने के बावजूद भी उनके कोई बच्चा नहीं होता है कोई बच्चा नहीं होता है ना अंबिका से ना अंबालिका से तो वेद जी को बुलाया जाता है और नियोग क्रिया के थ्रू उनके दो बेटे होते हैं अंबिका का जो बेटा होता है उसका नाम होता है धृतराष्ट्र आप समझ गए होंगे जो कि कौरवों के पिता थे और दूसरी तरफ अंबालिका का जो बेटा होता है उसका नाम होता है पांडु जो कि पांडुओं के पिता होते हैं आप ये भी समझ गए होंगे अब धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से ही अंधे थे ब्लाइंड थे तो बड़े बेटे होने के बावजूद भी अंधे होने की वजह से धतराष्ट्र राजा नहीं बन सकते थे पांडु को आगे चलकर राजा बनना था विचित्र की मृत्यु के बाद पांडु को राजा बनाया गया अब क्या है कि जो राजा होगा उसी का बेटा तो राजा बनेगा आगे चल के लेकिन उसी दौरान पांडु से एक गलती हो जाती है कहानी में यह है कि पांडु जो है उनकी दो वाइफ होती हैं एक होती हैं कुंती और एक होती हैं मादरी लेकिन कुछ समय पहले उनसे एक घटना हो जाती है कि वो एक जो क्या बोलते हैं एक ऋषि और उनकी वाइफ का वध कर देते हैं गलती से क्योंकि उन ऋषि और उनकी वाइफ ने एक एनिमल का स्वरूप ले रखा था और वो फिजिकल रिलेशन में थे और उसी टाइम पे उन्होंने बाण चलाया उनको लगा कि वो हंटिंग कर रहे हैं और उन्होंने ऋषि को मार दिया और उनकी वाइफ को भी मार दिया तो उस ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि आप जब कभी भी संभोग करेंगे फिजिकल रिलेशन में आएंगे अपनी वाइफ्स के साथ किसी के साथ भी तब आपकी मृत्यु हो जाएगी ठीक है तो वो रिलेशन नहीं बना सकते थे और कुंती को एक वरदान था पहले से कि वो जब चाहे किसी भी देवता का आह्वान कर सकते हैं किसी भी देवता को बुला सकती है और उनसे जो चाहे वो मांग सकती हैं अब कुंती की कहानी को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं वो वरदान उन्होंने यूज कैसे किया उसकी तो बात करेंगे अब कुंती के जो भाई थे वो थे वसुदेव वसुदेव जो थे वो कुंती के भाई थे और वसुदेव और कुंती के पिता जो थे वो थे सुरसेन और उनकी मदर का नाम था मिरीषा जो कि यादव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे इन्हीं वसुदेव और उनकी वाइफ देवकी से जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है उन्हीं के बेटे थे वो जो मथुरा के जेल में पैदा हुआ थे हुए थे क्योंकि देवकी के भाई कंश ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया था क्योंकि एक आकाशवाणी हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि देवकी का बेटा जो होगा वही कंश का वध करेगा ठीक है तो इस वजह से उनको जेल में डाला गया था लेकिन भगवान श्री कृष्ण बच गए ठीक और उनको ले जाया गया बचाया गया जेल जेल के दरवाजे वगैरह खुल गए थे और वो कहानी भी आपको शायद पता होगी तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी की भुआ थी कुंती ठीक इनसे विवाह हो रखा था पांडु का अब क्योंकि पांडु अपनी वाइफ्स के साथ दोनों ही वाइफ्स के साथ किसी तरीके की फिजिकल क्रिया में नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके ऊपर श्राप था तो उन्होंने अपनी वाइफ कुंती को कहा कि आप देवताओं का आह्वान करो हालांकि कुंती शादी से पहले भी देवताओं का आह्वान एक बार कर चुकी थी जब उन्होंने सूर्य देव को बुलाया था और सूर्य देव ने उनको वरदान के तौर पे एक पुत्र दे दिया था जिसका नाम था कर्ण ठीक तो कुंती का पहला पुत्र शादी से पहले हुआ जिसका नाम था कर्ण जिसको आप जानते होंगे अब कुंती के कुंती ने देवताओं को एक के बाद एक बुलाया और सबसे पहले उन्होंने यम भगवान को बुलाया और उनसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ जो कि धर्म के एक तरह से वो माने जाते हैं कि अवतार थे वो एक तरह से धर्म के धर्म राज थे वो उसके बाद वायुदेव को बुलाया गया जिनसे उनको भीष्म भीम का जन्म हुआ ने भीम का जन्म हुआ और भीम बहुत ही ताकतवर थे बहुत महाबली थे और गदा युद्ध में उनको मतलब उनका कोई सानी नहीं था इतने अच्छे गदा योद्धा माने जाते थे वो उनके टक्कर देने वाला कोई था तो वो दुर्योधन था या फिर उनके गुरु जो थे उनसे आगे थे जो कि किनके भाई थे श्री कृष्ण जी के भाई थे जिनका नाम था बलराम ठीक है उसके अलावा इंद्र को जब बुलाया गया तो अर्जुन की प्राप्ति हुई और उसके बाद कुंती के ही कहने पे मादरी को ये शक्ति मिली और उन्होंने अश्विनंश भगवान को बुलाया और उनसे उनको दो बेटों की प्राप्ति हुई नकुल एंड सहदेव जो कि ट्विंस थे ऐसा माना जाता है ठीक उन दोनों की अश्विंस भगवान से प्राप्ति हुई अब उसके बाद इन सभी की वाइफ कौन बनती हैं द्रौपदी हालांकि इनकी और भी वाइफ्स थी अलग अलग वाइफ थी लेकिन द्रौपदी इन पांचों पांडवों की वाइफ थी अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता था और उसके बाद एक कहानी आती है जिसमें द्रौपदी को पांचों पांडवों की वाइफ माना जाता है कुंती के एक आशीर्वाद की वजह से एक गलत फैमी की वजह से तो द्रौपदी यहाँ आती हैं कर्ण जो हैं वो पहले बेटे थे कुंती के जो कि सूर्य गोड़ से पैदा हुए अब ये इधर वाली कहानी आपको समझ में आ गई दूसरी तरफ आप क्या देखते हैं कि जो विचित्र वीर्य की पहली वाइफ थी अंबिका उनसे जो बेटा पैदा हुआ था धतराष्ट्र जो सबसे बड़ा बेटा था विचित्र वीर्य का दो बेटों में बड़ा था लेकिन ब्लाइंड था राजा नहीं बन सकता था और साथ ही उसको जिस लेडी से उनकी शादी हुई वो गांधार की थी उनका नाम गांधारी पड़ा उनके भाई का नाम शकुनी था शकुनी मामा फेमस शकुनी मामा अब गांधारी और धतराष्ट्र के बेटे नहीं हो रहे थे बच्चे नहीं हो रहे थे तो एक बार गांधारी को बच्चा तो हुआ लेकिन एक मांस का पिंड पिंड जैसा हुआ पिंड हुआ और उसमें कोई वो वो ये नहीं था कि कि लड़का है कि लड़की है लड़की कुछ नहीं पता चल रहा था तो वेद जी को बुलाया गया वेद व्यास जी के आशीर्वाद से वो पिंड जो है वो सौ पुत्रों में तब्दील हो गया सौ बेटे हुए सबसे बड़ा बेटा जो है वो दुर्योधन जिसका नाम माना जाता सुयोधन था लेकिन उसकी गलत परिवर्ती की वजह से बाद में उनका नाम दुर्योधन पड़ गया और दुशासन दुशासन भी इनका छोटा भाई था जो फेमस रहा उसके अलावा 98 और ब्रदर्स तो 100 भाई थे एक बेटी थी जिसका नाम था दुशला जिसने जयद्रथ से विवाह किया जयद्रथ भी एक काफी फेमस कैरेक्टर था महाभारत का ठीक उसके अलावा धृतराष्ट्र ने एक दासी से भी विवाह किया था जिसका नाम था सुगाधा और वो गांधारी की मेड थी इस सुगाधा से एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था योयुत्सु यू, जो थे उन्होंने पांडवों को ज्वाइन किया था कुरुक्षेत्र में अपने पिता के जो तरफ से जो युद्ध लड़ रहे थे कौरव या दुर्योधन की तरफ से जो युद्ध लड़ रहे थे उन सेना को छोड़ के वो युधिष्ठिर की तरफ से युद्ध लड़े थे ये ध्यान रखिएगा अब यहां तक की कहानी मैं आपको बता चुका हूं इन सभी लोगों को मैं आपसे बता चुका हूं अब इधर आप देखिए कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय अर्जुन का एक विवाह और हुआ था द्रौपदी के अलावा जो थी श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा उनसे विवाह हुआ था उनसे उनको बेटा जो हुआ था उसका नाम था अभिमन्यु जो कि महाभारत के युद्ध में ही शहीद हो गए थे बैटलफील्ड में लेकिन उससे पहले उनकी शादी हो रखी थी उत्तरा से और उत्तरा से शादी होने के दौरान जब अभिमन्यु का वध हुआ उस समय तक उत्तरा प्रेग्नेंट थी और उनके पेट में जो बेटा था जिसका नाम था परीक्षित उस परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था और वो पेट में ही एक बार के लिए दम तोड़ चुका था लेकिन माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने उनको पुनर्जीवित किया और वो परीक्षित जो है वो आगे चल के इन कौरवों और पांडवों की तरफ से एकमात्र वंशज बचा था जो बाद में इन सब की मृत्यु के बाद रूल भी करता है अश्तिनापुर पे ठीक है ये लास्ट व्यक्ति है इसके बाद एक इनका बेटा है उसकी भी बात करेंगे जिनके समय पे महाभारत का कम जो है नरेशन हुआ था तो प्रकृत पे हम पहुंचेंगे इधर आप एक और चीज देखिएगा <coughs> कि वेदव्यास जी ने रामायण को बोला गणेश जी ने इसको लिखा तो कंपोजिशन महाभारत का जो है वो इस तरह से हुआ कि वेदव्यास जी और गणेश जी के साथ में बैठ गए अब इधर मैं आपको ये चीज बता चुका हूं विदुर को भी आप जानते होंगे विदुर जो हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर थे इनकी जो हस्तिनापुर की जो पूरी मंडली थी हस्तिनापुर का जो राज्य था उसमें प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे वो वेद व्यास और ये जो आप कहते हैं अंबिका एक और लेडी थी वेद व्यास के साथ एक और लेडी थी जिनका नाम था पृष्ट ऋषि पृष्ठमी जो कि एक दासी थी हेडमैन थी उनके बेटे थे उनके बेटे थे ये उनसे जन्म हुआ था विचित्र वीर और ए, इनकी एक दासी से तो उनका नाम था विदुर तो विदुर भी जो है वो आप कह सकते हैं कि इनके धतराष्ट्र और पांडु के भाई थे दूसरी मदर से थे स्टेप ब्रदर थे बेसिकली लेकिन भाई थे ये ध्यान रखिएगा आप तो इस फैमिली को आप समझ गए होंगे ठीक है महाभारत फैमिली को समझ गए होंगे पूरी और ये किस तरह से इनके बीच में क्या क्या रिश्ता था वो समझ गए होंगे जियोग्राफिकल लोकेशन भी एक बार समझ लीजिए कुरु ये आप लेटर वैदिक पीरियड का समय देख रहे हैं अर्ली वैदिक एज जो है वो मानी जाती है 1500 सौ बीसी से 1000 या 1100 सौ बीस के बीच में और 1100 सौ बीसी से 500 सौ बीस के बीच का जो समय उसको लेटर वैदिक पीरियड माना जाता है और 500 सौ बीस से आगे का जो पीरियड है वो जनपद पीरियड महाजनपद पीरियड माना जाता है उसके बाद मगध ने इन सभी महाजनपदों को जीत लिया था तो फिर मगध और मौर्य डायनेस्टी और ये सब डायनेस्टीज बाद में आने लग गई लेकिन कुरु जिसकी बात कर रहे हैं वो ये था कुरुक्षेत्र वाला जो एरिया है उसको बसाया था कुरु नाम के राजा ने इसीलिए उसका नाम भी कुरु ही पड़ गया और उनके वंश को भी कुरु वंशी बोला जाता है तो ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ कौरवों को कुरु नहीं बोला जाता है कौरवों पांडुओं जिनको सम्मिलित रूप में कुरु बोला जाता है ये सब कुरु के थे गंगापुत्र भी जो है वो कुरु थे और ये सब जो लोग आपको मैंने परिवार दिखाया है ये सारा वंशज ठीक अब बात आती है कुरु किंगडम जो है इसमें क्या कुछ हो रहा था उस समय पे महाभारत इपिक पे आ जाते हैं परिवार को मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी तो महाभारत का मतलब ही क्या होता है भारत वंश के जो दिस... भारत राजा भारत के जो डिसेंडेंट्स हैं उनकी कहानी को बताता है महाभारत ठीक है लार्ज एक्सटेंसिव वे में भारत की कहानी को बताता है भारत के वंशजों की कहानी को बताता है पांडवों और कौरवों की हिस्ट्री को बताता है उनके बीच की उस लड़ाई को बताता है उनके बीच में जो एक युद्ध धर्म युद्ध हुआ उसको बताता है दोनों कुरुवंशज थे एक दूसरे के कजिन्स थे कौरव और पांडव तो वहां पे जो लड़ाई हुई कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कि कुरु के द्वारा ही बसाया गया क्षेत्र था उसी को महाभारत कहा जाता है महाभारत युद्ध कहा जाता है कुरुक्षेत्र युद्ध भी उसे कहा जाता है एक लाख वर्सेज वाला एक लाख श्लोकों वाला ये जो महाभारत इपिक है महाकाव्य है इसको अठारह किताबों में बांटा गया अठारह बुक्स में या अठारह पर्वस में बांटा गया जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिंगल लिटरेरी वर्क माना जाता है जो कि आज तक एग्जिस्टेंस में है समय काल इसका 400 सौ बीसी से 400 सो एडी के बीच में है और माना जाता है तकरीबन तकरीबन सेंचुरी बीसी के इतिहास को इसमें लिखा गया होगा टेंथ सेंचुरी बीसी में यह घटनाक्रम हुआ होगा जो कि महाभारत में बताया गया है वो महाभारत युद्ध वो कुरुक्षेत्र युद्ध दसवीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ होगा ऐसा एक एस्टिमेशन है कैसे एस्टिमेशन लगाया गया उसकी भी हम बात करेंगे सबसे पहले आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि महाभारत को आप ये मत सोचिए कि महर्षि वेदव्यास ने जब लिखा तो एक साथ ही एक लाख श्लोकों को लिख दिया था नहीं एक लाख श्लोकों को उन्होंने बोला और गणेश जी ने लिखा ऐसा नहीं है तीन स्टेजेस में महाभारत का इवोल्यूशन हुआ ऐसा माना जाता है ऐतिहासिक तरीके से कि सबसे पहले महाभारत नाम इसका नहीं था इसका नाम था जयम जया फिर पड़ा भारत फिर पड़ा महाभारत तो जयम भारतम महाभारतम जयम नाम की जो किताब है या जयम नाम का जो शुरुआत में इपिक लिखा गया उसमें माना जाता है कि वो जो है वो वेद जी ने ओरिजिनली लिखा था तो सामान्य तौर पे आप देखते हैं कि उनका एक उत्तर है महाभारत का लेकिन एक नहीं बल्कि तीन या फिर और भी ज़्यादा हो सकते हैं जिन्होंने इस डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाई होगी महाभारती पिक को लिखने में तो वेद जी को सबसे पहले उन्हीं ने इसकी शुरुआत करी थी तो उन्हीं को एट्रीब्यूट किया जाता है कि वेद जी ने ही इसकी रचना करी लेकिन वेद जी ने इसका एक आप ये कह सकते हैं ना कि कहानी का आधार रखा था और वेदव्यास जी ने सबसे पहले इसको लिखा और उसके बाद उन्होंने अपने डिसाइपल अपने शिष्य जिनका नाम था वैश्य पायन उनको ये बताया और वैश्य पायन ने भी इसमें डेवलपमेंट किया उसके बाद आगे चल के उग्र सर्वक उग्र सर्वक श्रोती नाम के एक और कवि ने या फिर एक और ऑथर ने इसको आगे चल के कंपोज किया और तब जाके ये महाभारत बना तो वेद के समय पर जयम था नाम इसका फिर उसके बाद वैश्य पायन के नाम तो समय पे भारत पड़ गया भारतम पड़ गया और उसके बाद उग्र सवय के समय पे जब उन्होंने ऋषियों की इस कहानी को बताया और उन ऋषियों ने सब लोगों ने डेवलपमेंट किया और एक लाख श्लोक इसके अंदर आ गए तब इसका नाम महाभारत पड़ा ठीक है महाभारतम कैसे हुआ डेवलपमेंट तो जब शुरुआत में जयम नाम का जो लिखा गया होगा पिक उसमें माना जाता है कि तकरीबन 8,800 हजार थे 8,800 श्लोक थे जयम जब लिखा गया था और ये रचना जो है वो कंप्लीटली मानी जाती है वेदव्यासी की रचना थी उसके बाद ये कहानी जब ये महाभारत की कहानी जयम की कहानी कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी जब उन्होंने अपने डिसिपल डिसाइपल अपने शिष्य वश्यपायन को सुनाई और उन्होंने इसको अर्जुन के ग्रेट ग्रैंडसन जो अर्जुन थे महाभारत में पांडवों में से जो तीसरे ब्रदर थे अर्जुन जो कि इस महाभारत युद्ध के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और एक हीरो है वो उनके ग्रेट यानी कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु अभिमन्यु के बेटे परीक्षित परीक्षित के बेटे जिनका नाम था जन्म जन्म अजय जन्म अजय को यह कहानी सुनाई गई एक सर्प यज्ञ हुआ यज्ञ हुआ था सर्प यज्ञ मतलब एक सांप की बलि देने का यज्ञ होने लग गया था उस दौर में तो शर्प यज्ञ के दौर में उन्होंने ये कहानी सुनाई कि तुम्हारे पूर्वजों की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं जन्म अजय जिसमें तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंड थे अर्जुन और उनके भाइयों ने कैसे तुम्हारे जो दूसरे फैमिली के मेंबर्स थे मतलब उनके जो कजन्स थे अर्जुन और युधिष्ठिर के कजन्स थे उनके साथ कैसा धर्म युद्ध लड़ा और कैसे जीत हासिल करी और कैसे ये साम्राज्य तुम्हें मिला है कौन थे तुम लोग वो कहानी को जब बताया गया तब ये कहानी जो है वो डेवलप होके तकरीबन चौबीस हजार श्लोकों में तब्दील हो चुकी थी तो यहां से जयम जो है उसका दूसरा फेज था डेवलपमेंट का और उसमें कौरवों और पांडवों की कहानी को जब नरेट किया गया वैश्य पायन के द्वारा तो इसे भारतम कहा जाता है उस फेज को भारतम कहा जाता है फिर आता है तीसरा और फाइनल फेज जिसमें एक स्टोरी टेलर जिनका नाम था अगर क्या नाम था इनका हिंदी में नाम अगर लिखें तो है उग्र शव सोती उग्र शव सोती ने ये जो कहानी है कौरवों और पांडुओं की जो उनको विरासत में मिली थी पहले वेद व्यास और वश्यपायन के थ्रू उसको ऋषियों की एक मंडली को सुनाया जिसे नैमी कहा जाता है और उसमें जब ये कहानी बताई गई तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप करी गई और ये जो इपिक था भारतम जो आ चुका था अभी चौबीस हजार श्लोक थे वो डेवलप होके एक लाख श्लोकों तक पहुंच चुका था और इसमें बहुत सी चीजें लिखी गई बहुत सी चीजों का इजाफा किया गया और वो क्या क्या इजाफे किए गए होंगे उसको भी हम अभी आकलन करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहा मिलती है कि ये फाइनली तीसरे फेज में जाके महाभारत बना ये बात हमें मिलती है आदि पर्व में जो कि पहला सेक्शन है महाभारत के 18 सेक्शन में से जो पहला सेक्शन है उसके इक्यासी एक और एक एक वाले श्लोक में पता चलता है कि महाभारत का डेवलपमेंट इस तरह से तीन स्टेजेस में हुआ है ठीक है अब बात आती है कि भाई तीन स्टेजेस में हुआ लेकिन पहले स्टेजेस में कहानी कहाँ तक थी दूसरे स्टेजेस में कहानी कहाँ तक थी तीसरे में कहां पहुंची तीसरे की कहानी तो अभी हमें मिलती ही है कि पूरा महाभारत तो हम जानते हैं ना उसमें सारी कहानियां हैं अब अलग अलग वर्जन में आप उसे देखते हैं वो अलग बात है लेकिन फिर भी तीसरा फेज हमें मिलता है तो इस बैकग्राउंड के साथ पूरी तरह से तो हम नहीं कह सकते लेकिन एक एस्टीमेट ये लगाया जाता है कि जो पहला भाग था पहला हिस्सा जो था जयम वाला जब ओरिजिनल कहानी जो थी वो जयम में थी तो उसमें जो है वो पांडुओं की विक्ट्री को दिखाया गया कि कैसे पांडुओं और गौरवों के बीच में युद्ध हुआ पांडव सही की दिशा में थे सही रास्ते पे थे वो धर्म के पक्ष में थे तो उनका धर्म युद्ध में विजय कैसे हुई सामने महारथी बड़े बड़े योद्धाओं के होने के बावजूद भी पांडव कैसे जीते सामने कौन कौन था कौरवों की तरफ से तो आप जानते हैं कि भीष्म पितामा भी लड़ रहे थे द्रोणाचार्य उनके शिष्य भी लड़ गुरु भी लड़ रहे थे पांडु कौरवों और पांडुओं के उसके अलावा अश्वत्थामा जो गुरुपुत्र थे कर्ण और ये तमाम बड़े बड़े महारथी लड़ रहे थे और सौ कौरव लड़ रहे थे उनके अलावा बड़ी सेना थी अठारह दिन तक ये युद्ध चला है पांडवों में तो पांच पांडव तो थे जो कि अपने आप में महारथी थे वासुदेव कृष्ण जिन्होंने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी लेकिन फिर भी पांडुवों की जीत हुई तो पांडवों की जीत कैसे हुई और वो सब चीजें इसमें बता रखी है। दिन के युद्ध का विवरण सब किया गया जय लेकिन जब सेकंड स्टेज आई तब चौबीस हजार श्लोक कैसे हो गए क्योंकि कहानी तो वहां पे हो चुकी थी यहाँ पे कौरवों और पांडवों की लाइफ को इलेबरेट किया गया हो सकता है कि उन कहानियों को ऐड किया गया हो जिसमें पांडवों के पिता पांडु को कैसे श्राप मिला और जो ए, गांधार नरेश शकुनी था उसके कैरेक्टर को बनाना पांडवों को बताना बारह वर्षों में उन्होंने क्या किया जो जो वनवास था फिर ज्ञातवास में क्या किया वो जो चीजें हैं उनको एक तरह से एक डेप्थ देने के लिए चीजें इसमें की गई होंगी और भगवान श्री कृष्ण को एक इनकारनेशन स्वरूप दिया गया इसमें उससे पहले शायद जयम में ऐसा माना जाता है कि उनको मानव स्वरूप में देखा गया उनको किसी तरीके से कोई दैविक शक्तियां या कोई डिवाइन पावर जैसा नहीं बताया गया था लेकिन यहां पे उनको इनकारनेट बताया गया उनको माना गया कि वो विष्णु के अवतार हैं शिव और विष्णु की जो महिमा मंडल है वो यहां पे ज्यादा हो गया प्रोमिनेशन ज्यादा हो गया इन बर्मा जी के कंपेरिजन में बर्मा विष्णु महेश तीन प्रोमिनेंट जो ईश्वर हैं उनमें भगवान शिव और विष्णु को ज्यादा यहाँ पे वो मिला गौरव हासिल हुआ उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई ब्रह्मा जी को उन्होंने थोड़ा सा साइड किया गया इस सेकेंड स्टेज में तीसरी जो स्टेज थी डेवलपमेंट ऑफ इपिक की जिसमें क्या होता है चौबीस हजार श्लोकों से ये जो इपिक है वो महाभारत बन जाता है और एक लाख श्लोकों में तब्दील हो जाता है भारतम से महाभारतम का जो डेवलपमेंट फेज है उसमें क्या हुआ यहाँ पे बहुत से लोग थे क्योंकि ऋषि मुनियों को यहाँ पे बात बताई गई थी एक स्टोरी टेलर किन जिनका नाम क्या था उग्र सेव शोती, उन्होंने बताई तो इसमें इन सभी ऋषियों ने हो सकता है डेवलप किया और चीजों को अपने अपने हिस्से से इसमें चीजें जोड़ी और इसमें भगवानों की कहानी ऋषि मुनियों की कहानी और धर्म शास्त्र की बात इन तमाम चीजों को जोड़ा गया तो ये जो किताब है महाभारत ये जो इपिक है इसमें अब वो सभी चीज़ें जोड़ी गई जो कि रिलीजियस थी रिलीजन को मतलब रिलीजन के साथ डील करती थी धर्म के साथ डील करती थी मॉरलिटी की बात करती थी कानून लॉ की बात करती थी तो ये जो एपिक है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया इसमें सब चीज़ें थी इसमें भगवत गीता भगवत गीता में भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे सवाल बहुत सारे जवाब वो सब चीज़ें आ गई इसीलिए ये जब इतना डेवलप हो गया ये ऐपिक तो इसको पांचवे वेद का भी दर्जा दिया गया चार वेद तो आप जानते हैं पहले थे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद जिसमें सब चीज तरीके के धर्मों के, उनकी बात रखी थी किस तरीके की ड्यूटीज करनी है क्या कौन कौन से कर्म कांड सैक्रीफाइस और सब चीजों को बताया गया रिलीजियस बुक थी वो यहाँ पे ये महाभारत जो है ये जब जयम की स्थिति में था तो सिर्फ इतिहास था कौरवों और पांडवों के बीच की का इतिहास उनके बीच का युद्ध उस चीजों को बताता था लेकिन बाद में चीजें और ज्यादा जब इसमें ऐड करी गई और इसमें डिवाइन फोर्सेस सेव सेजेस की कहानी रिलीजियस एंगल्स इसमें भगवत गीता लो मोरलिटी इन तमाम चीजों को जब ऐड किया गया तो ये एक बहुत ही वास्ट एंगल्स को बताने वाला एपिक बन गया तो इसे पांचवें वेद का दर्जा दिया गया और तकरीबन चार सीई और पाँच सीई में जब लैंड ग्रांट्स दिए गए तो उसमें वेद व्यास जी को लैंड ग्रैंड किए गए थे और एक लाख वर्सेस वाला महाभारत लिखने की बात यहाँ पे करी गई इसके बारे में ये चीज़ें हमें मिलती हैं इतिहास में कहीं ना कहीं तो ये बातें हमें पता चलती हैं कि ये महाभारत का इस तरह से डेवलपमेंट हुआ तीन स्टेजेस में हुआ जयम भारतम और महाभारतम ये बात आपको शायद अब यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि ये महाकाव्य तीन स्टेजेस में और आठ साल के डेवलपमेंट फेज के बाद इतना बड़ा महाकाव्य कैसे बना अब इसका टाइम पीरियड जान लेते हैं

सारथी भी रहे हैं तो ये समकालीन थे ये बात आप जानते हैं और एक चीज जो हमें पता चलती है कि भारत जब भारतम जो इसका दूसरा हिस्सा था दूसरा डेवलपमेंट फेज था वो जब कंपोज किया गया वो रामायण के बाद कंपोज किया गया अब एक बात जो और है इसका एक तकाजा लगाया जाता है देखिए रामायण जो है उसका समय काल जो है वो पहले का माना जाता है कि रामायण जो है वो पहले हुई वो घटना पहले हुई महाभारत उसके बाद में हुई अगले युग में हुई इवन ठीक है तो अगले युग में हुई त्रेता युग में रामायण का समय काल माना जाता है और द्वापर युग में महाभारत का समय माना जाता है और अभी हम कल युग में हैं। तो रामायण हुई पहले लेकिन कई बार ऐसा माना जाता है कि जयम जो पहला भाग था महाभारत का वो पहले लिखा गया था रामायण के कंपोजिशन से भी पहले लिखा गया था रिटर्न में घटना चाहे बाद में हुई हो लेकिन कंपोजिशन जयम का पहले हो गया फिर रामायण का हुआ लेकिन जब सेकंड फेज बन रहा था महाभारत का तो भारतम जब लिखी गई उससे पहले रामायण लिखी जा चुकी थी और उसके बाद महाभारत लिखी गई आगे तीसरा फेज हुआ तो जो रिसर्चर्स हैं आज के समय वो मानते हैं कि तकरीबन 800 सौ बीसी का जो समय है वो महाभारत का पीरियड था कि 800 सौ बीसी में कहीं ना कहीं ये कुरुक्षेत्र वोर हुआ होगा कौरवों और पांडवों के बीच में फिर उसके बाद और भी थोड़ी रिसर्च हुई जिसमें ये पता चलता है कि कौरवों और पांडवों का जो जिक्र है वो यजुर्वेद में मिलता है यजुर्वेद आप जानते हैं कब लिखा गया लेटर वैदिक पीरियड में ऋग वैदिक पीरियड जो है वो एस्टिमेट के हिसाब से माना जाता है कि 1500 से 1100 सो के बीच का समय है वो एस्टिमेट ही है रियली पूरा अभी तक ये कहा, कहा नहीं जा सकता कि 1500 सो से ही वेद लिखे गए उससे काफी पुराने भी हो सकते हैं 1500 सो तो एक एस्टिमेट है अभी के आकलन के हिसाब से तो यजुर्वेद जो है वो तकरीबन 1100 से 600 के बीच में कहीं लिखा गया है यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद तो उसमें अगर मिलता है तो ये भी आपको पता चल गया कि लेटर वैदिक पीरियड की बात ही है तभी कौरव और पांडवों की कहानी चलती है उसके बाद धर धतराष्ट्र का जो मेंशन है वो कटक में मिलता है जो कि एक कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है यजुर्वेद का ही पार्ट है धत्राष्ट्र की बात उसमें हो रखी है तो यहां से हमें ये पता चलता है कि कई कहीं ना कहीं महाभारत की जो घटना है ये जो एपिसोड है ये शायद सेंचुरी बीसी के आसपास का है या उससे पहले का भी हो सकता है तो टेंथ सेंचुरी बीसी ई के आसपास की घटना मानी जाती है यानी कि लगभग उस पीरियड की जब अर्ली वैदिक पीरियड खत्म हो रहा था और लेटर वैदिक पीरियड शुरू हो रहा था उस समय की ये घटना मानी जाती है फिर गरीय सूत्र जो है जो कि एक रूल ऑफ वैदिक डोमेस्टिक सेरेमनीज के बारे में बताने वाला ग्रंथ है सांस्कृतिक वर्ग ग्रंथ है ये पाँचवीं शताब्दी बी सी में लिखा गया था कंपोज किया गया था इसमें भारतम जो है उसका रेफरेंस मिलता है मतलब भारतम महाभारत का फेज नहीं लिखा गया होगा अभी तक भारतम की फेज में था तो उसके बारे में पता चलता है फिर हमारे जो पंचग्राम्स हैं पंचग्राम्स के हिसाब से जो डेट्स निकाली जाती हैं उसके हिसाब से आर्यभट्ट ने ये डेट निकाली थी अपनी गणनाओं के हिसाब से और ये कहा था कि कलयुग का समय इक्यावन में शुरू हुआ इक्यावन सालों से कलयुग चल रहा है उस समय से चल रहा है और ये कलयुग जो है ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब प्रस्थान किया था स्वर्ग की यात्रा करी थी जब वो धरती छोड़ के गए थे उन्होंने अपना शरीर त्यागा था फिजिकल बॉडी को त्यागा था बोर्ड किया था तब से कलयुग शुरू हो गया तो ये जो डेट है ये आर्यभट्ट के हिसाब से इक्यावन साल है अब आपको ये भी पता होगा कि चार युग माने जाते हैं हिंदुइज्म में सनातन धर्म में ये चार युग क्या हैं सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग चार युग हैं हम कलयुग में हम जी रहे हैं सबसे छोटा युग है सतयुग को माना जाता है कि दैट वाज अ गोल्डन पीरियड गोल्डन एज सतयुग को कृत युग भी कहा जाता है फिर त्रेता युग को सिल्वर एज माना जाता है द्वापर युग को ब्रोंज एज और कलयुग को आयरन एज माना जाता है हालांकि जो साइंटिफिक इवोल्यूशन है ह्यूमन इवोल्यूशन है वो इन युगों को ऐसे खारिज नहीं करता कि ये युग नहीं थे हम युगों को नहीं बांट सकते लेकिन वो कहता है कि अगर सत्युग में आप कहते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था और ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत जबरदस्त था उसमें और सत्रह लाख अट्ठाईस हजार साल तक चला तो उस दौर में उस तरीके का जिस तरीके से बताया जाता है हिंदू हिंदुजर्म में या सनातन धर्म में कि इस तरीके के राजा थे इस तरीके से उनका चक्रवर्ती सम्राट थे इतना सोना ये सब चीजें थी तो उस चीज को इवोल्यूशन की थ्योरी नहीं मानती एंथ्रोपोलॉजी नहीं मानती लेकिन धार्मिक एंगल से ऐसा माना जाता है कि सत्ययुग सबसे बड़ा युग था सब कुछ अच्छा ही थी उसमें अच्छी चीजें थी हालांकि यहाँ पे भी अवतार हुए फिर त्रेता युग जो है वो दूसरा पीरियड माना जाता है अच्छा पीरियड था लेकिन धर्म का यहाँ पे भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था तो यहाँ पे राम जी का अवतार हुआ यहाँ पे श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ तो ये जो द्वापर युग है ये आठ लाख चौसठ हजार साल के बाद यहाँ पे खत्म हुआ है ये जो टाइम है यहाँ पे कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी ने जो है अपना जो फिजिकल बॉडी है उसको त्यागा होगा वो उन्होंने छोड़ा होगा तो आप ये सोचो आठ लाख चौसठ हजार साल पहले से पहले त्रेता युग था त्रेता युग के बाद द्वापर आया तो रामायण और महाभारत के बीच में ना चाहते हुए भी आप ये मान सकते हैं कि लगभग साढ़े आठ लाख साल का तो बीच में गैप आ गया जिसको विज्ञान नहीं मानेगा ऑब्वियसली नहीं मानेगा क्योंकि इवोल्यूशन की हिसाब से आप देखें कि किस तरीके से इवोल्यूशन होता है लेकिन क्या पता उस दौर में वो किस तरीके से इस सालों की गणना करते थे क्या करते थे और किस तरह से इस चीज़ों पे वो पहुंचे हैं हम युग की जब बात करेंगे कि चार युगों की जो विचारधारा है वो हिंदुइज्म में कैसे आई तब मैं आपको ये चीज़ें जरूर बताऊंगा तो कलयुग में क्या होगा और ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी कि दश अवतार जो हुए जिसमें मत्स्य अवतार कर्मा अवतार वराह अवतार नरसिंह अवतार ये चार अवतार तो सतयुग में हो गए ये सतयुग के अवतार ठीक है मत्स्य मतलब मछली के अवतार में मुकुरमा मतलब टोटोटाइज के फिर बोर और फिर मैन लॉयन अवतार में नरसिंह जिसमें हाफ लॉयन और हाफ मैन थे ये विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं जिन्होंने हर युग में जो है जन्म लिया ताकि वो धर्म की स्थापना कर सकें लॉ एंड ऑर्डर एंड मोरलिटी को स्टैब्लिश कर पाए धरती के ऊपर जब जब धर्म की ग्लानी होती है वो बात गीता में भी कही है भगवान श्री कृष्ण ने की यदा यदा ही धर्म से ग्लानी भवती भारत तो वो जो बात कही थी उसका मतलब है जब जब धर्म का नुकसान होता है तब तब मैं धरती पे जन्म लेता हूं इनकारनेशन लेता हूं और उसके बाद धर्म की स्थापना करके पुनः लौट जाता हूँ फिर यमन परशुराम जी और भगवान राम का अवतार जो है वो कब हुआ ये तीन अवतार जो आपको नजर आ रहे हैं ये हुआ त्रेता युग में ठीक है फिर भगवान श्री कृष्ण जी का जो अवतार है वो हुआ द्वापर में ठीक है द्वापर में हुआ उसके अलावा बलराम जी को भी कई बार विष्णु जी का अवतार मान लिया जाता है हालांकि बलराम जी को शेषनाग अवतार माना जाता है कई बार जो गौतम बुद्ध हैं उनको नौवा अवतार मान लिया जाता है ये यहाँ पे थोड़ा सा एक नौवा अवतार जो है भगवान विष्णु का उसके ऊपर कई बार डिबेट रहती है कि बलराम को माना जाए या फिर बुद्ध को माना जाए उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे दस अवतार के समय क्या है वो डिबेट और जो दसवें अवतार हैं कल की वो अभी तक अवतरित हुए नहीं हैं वो माना जाता है कि कलयुग के अंत में उनका अवतार होगा जब धर्म बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होगा दुनिया बड़ी अंधकार की तरफ जा चुकी होगी तब होगा उनका अवतार अब महाभारत के sections की बात कर लेते हैं कहा जाता है अठारह सेक्शन में अठारह चैप्टर्स में परुश में जो भी कह लीजिए उनको लिखा गया है और एक लास्ट में चैप्टर है जिसका नाम है हरिवंशम वो 18 से अलग है उन्नीसवा चैप्टर आप उसे मान सकते हैं लेकिन वो सेपरेट है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की कहानी और उनकी पूरी स्टोरी को बताया गया है बाकी अठारह चैप्टर्स में वो कहानी इसी तरह से चलती है कि उस कहानी का मेन ये पर्पज है कि वो कौरवों और पांडवों के उस युद्ध को समझा पाए और हर एक चरित्र को हर एक कैरेक्टर की डेफिनेशन दे सके उस कैरेक्टर के डेवलपमेंट को बता सके और वो कैरेक्टर वैसा क्यों कर रहा है उसको बता सके जैसे करण की बात होगी तो करण कुंती के पुत्र थे शादी से पहले उनका जन्म हो गया था तो कुंती ने उनको त्याग दिया था फिर उनको एक सूत ने पाला सूत पुत्र इसलिए कहा जाता है सूत मतलब जो कि एक सारथी था ये सोल्जर था बेसिकली लेकिन सारथी था तो सूत पुत्र हो गए वो लेकिन उसके बाद उनको सम्मान दिया युधिष्ठर की तरफ से करण इनकी तरफ से तो कुछ आया नहीं उनकी तरफ तो वो जा नहीं पाए और दुर्योधन से उनकी दोस्ती हो गई तो कर्ण का जो चरित्र है उसको बताया गया युधिष्ठिर के चरित्र को भीम के चरित्र को अर्जुन के चरित्र को इन तमाम लोगों के चरित्र को बताया गया भीष्म के चरित्र को बताया गया सब लोगों को कैसे कैसे बताया गया वो सब कहानियां अलग अलग जगह हैं और उनके बाद फेजेस भी हैं कि कौन से फेज में क्या कुछ हो रहा था तो वो अठारह चैप्टर है उनमें पहला चैप्टर जो है वो है आदि आदि पर्व उसके बाद सभा पर, वन पर्व पर, उद्योग पर्व विषम पर्व द्रोणा कर्ण शल्य स्वप्तिका स्त्री शांति अनुशंसा अश्वमेघ अश्व अश्राम वसिका मोसाला उसके अलावा महाप्रस्थान उसके बाद है स्वर्ग रोहना और उसके बाद लास्ट वाला जो है वो हरिवंशम जिसमें भगवान श्री कृष्ण की कहानी तो ये अठारह चैप्टर है कभी मैं आपको महाभारत की पूरी कहानी को एक साथ बताऊंगा उसमें चाहे एक डेढ़ दो घंटे जितने भी लगे उसको हम डिस्कस करेंगे अगर आपने पूरी पढ़ी नहीं हो या आपने पूरा देखा ना हो महाभारत तो उसमें हम डिस्कस जरूर करेंगे लेकिन अभी हम इसको ये देखते हैं कि अठारह चैप्टर लिखे गए और उन्नीसवा चैप्टर जो है वो भगवान श्री कृष्ण की कहानी बताता है और उस Epic का संस्कृत लिटरेचर पे कितना बड़ा इंफ्लुएंस पड़ा कितना बड़ा इसका प्रभाव था तो जैसे रामायण का रामायण के ऊपर कितनी किताबें लिखी गई मैंने आपको बताया था रामायण के बारे में भी जब ऐसा ही वीडियो बनाया था डेवलपमेंट के बारे में और हिस्ट्री हिस्ट्रीमेथिकल के बीच का जो डिबेट उसको है उसको समझाया था तब तो मैंने बताया था कि रामायण भारत में तीन तरीके की लिखी गई 300 तरीके की रामायण और केवल भारत में लिखी गई बल्कि भारत के आसपास के पड़ोसी देशों में भी लिखी गई लाओस मलेशिया इंडोनेशिया चाइना जापान इन तमाम देशों में रामायण अलग अलग तरीके से लिखी गई मेन कहानी सेम रहती है लेकिन कुछ ना कुछ थीम्स और कुछ ना कुछ तरीके से चीजें थोड़ी बहुत वेरिएशन उसमें मिलते हैं और संस्कृत लिटरेचर पर बहुत प्रभाव पड़ा रामायण में चौबीस हजार श्लोक हैं महाभारत में एक लाख श्लोक है और महाभारत की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें भगवत गीता भी आ जाती है तो महाभारत का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा संस्कृत लिटरेचर पे बहुत तरीके के ड्रामा काव्य चंपू काव्य डांस लाइक ड्रामा जिनको कहते हैं तो वो लिखे गए अलग अलग महाभारत के एपिसोड के हिसाब से जैसे महाकाव्यम कि एक किताब लिखी गई कितार्जुनी उसके अलावा शिशुपाल वध के ऊपर एक लेटर ले वो लिखा गया क्या बोलते हैं प्ले लिखा गया तो शिशुपाल कौन था शिशुपाल को आप जानते होंगे वो भी कजन था भगवान श्री कृष्ण का जिसको सो गलतियां माफ करने का वचन दिया था उन्होंने लेकिन फिर भी सौ गलतियां करी और शिशुपाल का वध हुआ भगवान श्री कृष्ण ने ही सुदर्शन चक्र से उनकी उनको मारा था तो शिशुपाल वध और ये इन तरीके की बहुत सारी कहानियां हैं उसके अलावा पशुपास्त्र के ऊपर अर्जुन की कहानी है भगवान श्री शिव के साथ उनका एक बैटल हुआ था जिसमें अर्जुन को ईगो को तोड़ने के लिए उन्होंने किस तरह से उनको एक लेसन दिया था और युधिष्ठिर ने जो राजस्व यज्ञ किया उसके ऊपर कहानी है शिशुपाल की डे इन तरह से बहुत सारी कहानियां ड्रामा पोएम्स लिखी गई रश्मि रथी आपने शायद सुनी होगी पढ़ी होगी जो कि आधुनिक युग में लिखी गई एक कविता है उसमें करण के चरित्र को बताया गया है करण के साथ क्या न्याय क्या अन्याय हुआ और उसके बारे में बताया गया तो बहुत सारे लिटरेचर के ऊपर प्रभाव पड़े ना केवल संस्कृत लिटरेचर पे बल्कि भारत में जितने तरीके के लिटरेचर हैं हिंदी लिटरेचर हो चाहे और रीजनल लैंग्वेज के जो लिटरेचर हो तमाम भाषाओं के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है महाभारत का क्योंकि कहानी इपिक इतना ही जबरदस्त है ये अब सवाल ये आता है कि क्या महाभारत रियल है या फिक्शनल है मतलब हिस्ट्री है या माइथोलॉजी है तो इसकी हम बात कर लेते हैं कौन कौन से एविडेंस मिलते हैं जो इसे इतिहास डिक्लेयर करते हैं कौन कौन सी बातें हैं या तर्क हैं जो इसे माइथोलॉजी बोलते हैं तो कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करेंगे कुछ इसके और दूसरे एविडेंस की बात करेंगे और फिर इस डिबेट को और आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हिंदुइज़्म में हिंदू धर्म जिसे प्राचीन काल में सनातन धर्म कहा जाता था हिंदू नाम तो काफ़ी लेट पड़ा इसका तो उसमें इसको इतिहास ही माना जाता है ठीक लेकिन बहुत सारे लोग स्पेशली साइंटिफिक डेवलपमेंट को मानने वाले लोग और जो ये देखते हैं चीजों को सिर्फ तर्क के से देखते हैं उन्होंने क्या कह सकते है? क्या एविडेंस हैं कई तो जैसे अगर हम बात करें जिन जिन, जिन, जिन जियोग्राफिकल लोकेशंस की बात होती है वो तो जियोग्राफिकल लोकेशंस थी अर्ली वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड महाजनपद पीरियड में उन महाजनपदों की और उनकी बात हो रखी थी कुरुक्षेत्र कुरु और उसके आसपास के जो मथुरा काशी वृंदावन और द्वारका ये जो सभी चीज ये मेंशन है उसमें और आसपास के जो राजाओं की बात हो रखी थी इवन मगध की बात हो रखी थी मगध का राजा जरासंत जो था उसको कैसे भीम ने हराया था उसकी बात हो रखी थी वो सभी जगह तो रियल है उनकी तो ऐतिहासिक व्याख्या हमें मिलती है हालांकि उन तमाम राजाओं की बात नहीं मिलती जो महाभारत में जिनका जिक्र किया गया लेकिन वहां से पहले का इतिहास हमें रिटर्न में मिलता नहीं है रिटन में मिलता नहीं है तो क्योंकि महाभारत तो और रामायण पहले श्रुति थी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेडिशनली वोकली लोग एक दूसरे को सुनाते थे इसी तरह से इसका डेवलपमेंट भी हुआ तो कंपोजिशन से पहले का जो इतिहास है वो हमें रिटर्न में मिलता नहीं है कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से हम आकलन करते हैं तो उसी आकलन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे चीजें ऐसी थी तो सही कि वहाँ पे इस तरीके के राजा थे अब उनका नाम क्या था बहुत सी चीजें इतिहास उनकी व्याख्या नहीं कर सकता लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकाले गए तो ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है जो हरियाणा में आज के समय पड़ता है वहाँ पे बहुत सारे आयरन के एरोज मिले सुपर हेड्स मिले कुछ भाले मिले और कुछ इस तरीके की चीज़ें मिली जो उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो तकरीबन समय माना जाता है कि अट्ठाईस सौ पुराना समय था वो उस दौर में यहाँ पर कोई बड़ा बैटल तो हुआ है कोई बड़ा युद्ध तो हुआ है और वही युद्ध महाभारत का युद्ध माना जाता है कि अप्रोक्सीमेट टाइम भी इसी का वही माना जाता है 2800 बीसी का अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एक हजार का समय का माना जाता है यही तो सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो कोई बता नहीं सकता अभी तक विज्ञान एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाया लिटरेरी वर्क का कंपोजिशन पीरियड चार सौ बीस से चार सौ माना गया उनको आधार में रखते हुए और उस तरह की कंपाइलेशन को ध्यान में रखते हुए माना गया कि एक हज़ार बीस के आसपास के समय में हुई फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ अलग कहते हैं और जो ए, ये जो आपके हैं ज्योतिष के हिसाब से जब गणना करते हैं तो वो अलग कहते हैं ज्योतिष के हिसाब से तो आपको मैंने बताया था कि सतयुग कितना बताया गया है ये, ये, कितना बताया गया है द्वापर कितना बताया गया तो वो तो चीजें अलग अलग हैं इसीलिए तो समय काल रामायण के समय काल में भी और महाभारत के समय काल में भी काफी कुछ ऐसा है जो कि डिबेटेबल है अलग अलग चीजें अलग अलग समय काल को बताती है तो इतना बड़ा जब युद्ध हुआ होगा तो उसके कुछ ना कुछ अवशेष तो मिलेंगे ही अठारह दिन तक एक युद्ध चला है तो अठारह दिन में माना जाता है कुरुक्षेत्र की जमीन लाल हो गई थी खून से इतने लोग मारे गए लाखों की संख्या में ऐसा माना जाता है कि उसने बड़ा युद्ध कभी हुआ ही नहीं था उसमें इतना बड़ा युद्ध माना जाता है उस महाकाव्य के हिसाब से तो वो युद्ध उसमें इतने लोग मारे गए और इतने लोग मारे गए तो उसका कुछ ना कुछ अवशेष मिलता है और वो ऐसे कुछ वेपन्स मिले हैं जिनसे कहा जा सकता है कि युद्ध हुआ था यहाँ पे अब उसके बाद इपिक में तीन ए, सिटीज की बात हो रखी थी पानीपत पानीपत और पानीप्रथ वान प्रस्थ था और इंद्रप्रस्थ इन तीन प्रस्थ की बात हो रखी थी तो ये तीनों जो हैं इनके बारे में जब बात होती है तो ये आज के समय दिल्ली के पुराना किला वाली जगहों पे सिटीज थी आर्कियोलॉजिकल पोट्री यहाँ पे मिलती है जब एविडेंस निकालते हैं ग्रे पोट्री जो है उस समय जो पेंटेड ग्रे पोट्री है वो वहाँ की उस समय की मिलती है और कुछ कल्चरल एविडेंस ऐसे मिलते हैं जैसे पता लगता है कि हाँ कुछ इस तरीके की सभ्यता थी इस तरीके के मानने वाले इस तरीके की चीजें रखने वाले लोग जैसा कि महाभारत में बताया गया है वो कंसिस्टेंसी आपको कहीं ना कहीं मिलती है कल्चरल कंसिस्टेंसी मिलती है वैदिक लिटरेचर में जिस तरह से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो ये उन जगहों के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं जिनकी खुदाई हुई है और खुदाई के हिसाब से कहीं ना कहीं पोट्री और कल्चरल एविडेंसेस मिले हैं एक और बड़ी चीज़ है एंशंट द्वारका सिटी की अब द्वारका आप जानते होंगे कि यहाँ पर पड़ती है आपके गुजरात राज्य के वेस्टर्न पार्ट में और ये पुरानी जो द्वारका है एंशंट द्वारका जो है वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी जो कि समुद्र में डूब गई ये कहा जाता है जिसके कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी मिले हैं भगवान श्री कृष्ण की जर्नी जो देखें लाइफ की तो ये आपको आठ पॉइंटों में देखिए मथुरा में उनका जन्म हुआ मथुरा में जन्म होता है जेल में उसके बाद गोकुल में उनको ले जाया जाता है वहाँ पर उनका बचपन जीतता बीतता है उसके बाद वो मथुरा जाते हैं और कंश को मारते हैं वापिस अपने टीन एज एज में ही लगभग वो जाके कंस को मार देते हैं बड़े बड़े होते हैं तो उसके बाद वो वृंदावन जाते हैं और रासलीला होती है वहाँ पे गोपियों से मिलना और ये राधा से मिलना और ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं अपना वो पीरियड बिताते हैं वहाँ पे उसके बाद आप देखते हैं कि वो उज्जैन भी जाते हैं भगवान श्री कृष्ण और अपने भाई बलराम के साथ वहाँ पर गुरुकुल का, का काम करते हैं गुरुकुल में जाते हैं शिक्षा वगैरह लेते हैं संधिपानी आश्रम में उसके बाद बात आती है कि द्वारका जाते हैं मथुरा छोड़ देते हैं वो अपने यादव क्लैन के साथ और किंगडम ऑफ द्वारका को एस्टैब्लिशमेंट करते हैं यही द्वारका सिटी जो है एंशियंट द्वारका जिसके रूइंस मिलते हैं समुन्द्र में डूब गई थी ये नदी ये सिटी ये यादवों की किंगडम था जिसको भगवान श्री कृष्ण ने स्टैब्लिश किया था कई कारण थे द्वारका छोड़ने के द्वारका आने के मथुरा छोड़ने के उसकी हम किसी और दिन बात करेंगे लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने बसाया था उसके बाद ये कुरुक्षेत्र में गए थे इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र वॉर में इन्होंने पांडवों की मदद करी कि कैसे इनको वापस कुरुक्षेत्र वॉर के बाद हस्तिनापुर का राज्य मिले तो उन पॉलिटिकल पावर्स को गेन करने के लिए इन्होंने उनकी मदद करी उसके बाद वापस आ जाते हैं अपनी शहर अपनी नगरी द्वारका में लेकिन बाद में एक बार सोमनाथ मंदिर के पास वेरावल नाम की जगह पे भगवान श्री कृष्ण को एक एरो मार दिया था जारा नाम के एक हंटर ने पैर में उनको वो मार दिया था एरो जिसकी वजह से उनकी बाद में मृत्यु भी हो जाती है तो ये उनका जीवन काल है जिसको आप मैप पे देख सकते हैं तो इस द्वारका नदी नगरी के बारे में जब बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने जो चीज़ें निकाली तो बहुत सारा जब मलबा मिला पानी के अंदर उस पानी के अंदर के मलबे को अगर आप देखें इतनी बड़ी सिटी थी तो उसमें ऑब्वियसली मिलेंगे ही कुछ ना कुछ स्टोन्स तो मिलेंगे तो ऐसा मिलता है कि ओशन के पास समुद्र के पास आपको कई कई बड़ी बड़ी फोर्ट की वॉल्स मिली हैं दीवारें जो धस गई थी पानी में डूब गई थी वो मिली हैं उसके अलावा ओशन्स में कई ऐसी चीजें मिली हैं जिससे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे बड़ा फोर्ट कोई किला था या कोई ऐसी चीज थी जो कि एक नगरी के अंदर कोई किंगडम था वो पूरी तरह से यहाँ पे डूबा है पूरी सिटी जो है वो समुद्र में डूब गई थी ऐसा माना जाता है और महाभारत में भी इसका मेंशन है क्योंकि महाभारत का डेवलपमेंट इस सिटी के डूबने के बाद भी हुआ है ठीक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु तक का जिक्र उसमें है तो आप समझ सकते हैं कि उस चीज में वो सारी बातें उसमें हैं और वहां से कलियुग की भी शुरुआत हो जाती है तो एक बड़ी बाढ़ या एक बड़े किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ये जो नगरी है ये डूब गई थी ठीक है इसकी कहानी हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ था और इस रिमेंस क्या क्या कहते हैं लेकिन हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के पर्पज से देखना है जो महाभारत को सपोर्ट करे महाभारत को ये बताएं कि वो घटना हुई थी ठीक है तो इसमें एक मौसाला पारो जो है उसके एक भाग में ये पता चलता है कि ये सिटी ओशंस में पूरी तरह से डूब गई थी लोग यहाँ से निकल गए थे तो उसके बाद द्वारका जो है उसमें पूरा फ्लड आ गया था और द्वारका पूरी तरह से डूब गई और जो सारी वेल्थ थी जिस तरह से ये एक बहुत ही वेल्थी सिटी मानी जाती थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई खत्म हो गई ठीक है ये बात हमें पता चलती है डॉक्टर एस आर राव जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम कर चुके हैं उन्होंने कहा कि ये जो तो द्वारका सिटी जो लीजेंडरी सिटी थी जिसके पूरी तरीके से अवशेष हम वैसे लेजेंड्री सिटी का क्या मतलब होती है जिसकी कहानियों में बातें होती है लेजेंड्स में होती है हिस्टोरिकली पूरे एविडेंस नहीं मिलते हैं हर बहुत सारी चीज़ें लेजेंडरी जो हैं वो हिस्टोरिक हो सकती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब पूरी रिसर्च हो लेकिन अभी तक पूरी तरह से द्वारका को रियल सिटी के तौर पर वैसे नहीं देखा जाता कि ऐसी सिटी सच में ऐसे थी ऐसे तो लेजेंडरी सिटी द्वारका के अवशेष मिलने का मतलब ये है कि हमारा इतिहास जो है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हमें जानने के लिए बाकी है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जो हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो शहर बसाया था वो कैसे डूबा और क्या क्या चीज़ें हुई तो ये बातें इसमें मिलती हैं कंसिस्टेंसी के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ों चीज़ों का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलता है जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये एंशेंट द्वारका और ऐसे जगह थी कुरुक्षेत्र में एक वॉर हुआ था तो वो जो द्वारका में मिले हैं दो सॉकेट्स मिले हैं बड़ी फोर्ट वॉल्स मिली हैं रॉक कट सिल्क वेल्स मिले हैं अलग अलग वर्थ के और कई सील्स भी मिली हैं यहाँ पे और ऐसी सील्स जिनके बारे में चक, पता चलता है हरिवंश जो कि लास्ट वाला हिस्सा है महाभारत का जो भगवान श्री कृष्ण की कहानी को बताता है जिसमें पता चलता है कि द्वारका के पास किस तरीके की मुद्रा और सील्स थी उस तरीके की चीजों को सपोर्ट करने वाले रिमेंस एंशेंट द्वारका में मिले हैं अब बात यह है कि सिर्फ द्वारका की बात नहीं है ऐसी 35 और नॉर्थ नो, इंडिया में साइट्स हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वाली साइट्स हैं जिसमें ए, हमें महाभारत और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं ठीक है महाभारत से रिलेटेड जो हम एविडेंस हैं उनको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो एविडेंसों को सपोर्ट करती हैं अब बात यह है क्योंकि एंशेंट इंडिया का जो पीरियड था पुराना प्राचीन टाइम था वो डेंसली पॉपुलेटेड था और सभी जगहों की खुदाई तो अभी तक तो हुई नहीं है बहुत मुश्किल है सब जगहों की क्योंकि आज सभ्यताएं कितनी बड़ी पॉपुलेशन है भारत की आप हर एक शहर को जाके खुदाई तो नहीं कर सकते हर एक जगह की खुदाई करेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे अगर सारी वो जो लोकेशनस हैं जो जो बताई गई थी मथुरा की अगर हम सारी खुदाई करते मथुरा लोग कहाँ जाएंगे वृंदावन के लोग कहाँ जाएंगे या ये हस्तिनापुर और जो क्षेत्र था इसकी सारी खुदाई कर ले लोग कहाँ जाएंगे तो ये करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है कि हम सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकाल सकें और चाहे मथुरा की बात हो मरीन जो आर्कियोलॉजी है वो उतनी डेवलप नहीं हुई है कि हर एक चीज़ का अवशेष निकाल के और हर एक चीज़ का एक पूरी तरह से साक्ष्य मौजूद जो है उसे प्रमाणित करके ये बता सके कि यहाँ पे सच्चाई में क्या था इसका जहाँ पे छोटी छोटी जगह हैं स्पेन जैसी जगहों पे जो एंटलार्टिस में जो एक्सविशंस हुए उसमें ही पूरी तरह से पानी के प्रेशर और अलग अलग रीजन्स की वजह से पूरी चीज़ें निक निकाल पाए मरीन आर्कियोलॉजिस्ट तो भारत में कैसे निकाल पाएंगे कहीं पे भी कैसे निकाल पाएंगे कि हर एक चीज़ को कि भाई निकाल के आप बता दो कि द्वारका किस दौर की थी और किसने बसाई होगी कितना बड़ा क्षेत्र था किस तरीके की सिटी थी किस तरीके का कल्चर था किस तरीके के इनके पास ऑर्नामेंट्स थे तो हर एक चीज़ को निकालना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है आर्कियोलॉजी इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क है ना तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकालना मुश्किल काम होता है तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी सर्कुलर बेसिन मिलेगा आपको द्वारका का जो माना जाता है और इस तरीके के कई अवशेष मिलते हैं जिससे एक नतीजे पे ये पहुंचा जा सकता है कि कोई एक पुराना शहर था जो यहाँ पे डूब गया लेकिन हर एक चीज निकाल पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन से दौर का था क्या क्या था इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की भी बात कर लेते हैं जो अभिलेख मिले उनके हिसाब से हमें क्या एविडेंस मिलते हैं तो महाभारत की जो बुक है उसके हिसाब से एक संस्कृत स्कॉलर थे श्री कोटा वेंकटन चलम उन्होंने चार इंस्क्रिप्शंस का जिक्र किया कि चार अभिलेख हैं जो कि महाभारत के ऐतिहासिक होने की व्याख्या करते हैं महाभारत वोर के इकतीस सौ अड़तीस में होने की या जो है उस व्याख्या को मानते हैं छत्तीस साल पहले हुआ था कलयुग के स्टार्ट होने से पहले महाभारत युद्ध ये बात बताते हैं तो बेसिकली महाभारत युद्ध होने के छत्तीस साल बाद भगवान श्री कृष्ण का जो है देहांत होता है उनकी मृत्यु होती है और उसके बाद कलयुग शुरू हो जाता है तो इकतीस में शुरू हुआ था महाभारत युद्ध लड़ा गया था ये कहा जाता है तो ये चार इंस्क्रिप्शन कौन से हैं एक तो प्रिस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि जो प्रेक्षित थे जो अर्जुन के ग्रैंडसन थे उन्होंने हस्तिनापुर हस्तिनापुर के ऊपर रूल किया था और तीन बीसी में उनकी मृत्यु हुई और उनके बाद जन्म जय नाम क्या? उनका बेटा जो है, जनम जिनका नाम था वो तिनापुर का राजा बनता है शासक बनता है और वो जब उनतीसवीं साल में था अपने राज्य अभिषेक के तो कलयुग का नवासीवा साल चल रहा था एटी नाइन्थ ईयर चल रहा था कलयुग का और उस दौर में उन्होंने क्या है कि दो दान किए थे दो गांवों के डोनेट डोनेशन किया था ज़मीन का डोनेशन किया था इंस्टीट्यूशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जो धार्मिक जो जगह थी उनको दो गांव उन्होंने डोनेट किए थे कि इन दो गांवों से आपको जो कुछ भी मिलेगा वो आपका है और ये मिलता है और इस इंस्क्रिप्शन में तीन और तीन पेजेस तो तो के ऊपर इंडियन इंटीग्विटी के ऊपर ये चीज़ें कहीं ना कहीं मिलती हैं कि ये जो पीरियड है युद्धिटर के एरा का एट्टी नाइन्थ ईयर यानी कलयुग का नवासीवा साल चल रहा था और इकतीस सौ एक या इक्तीस सौ इक्यासी साल पहले हुआ तो मतलब तीन हज़ार बारह बी सी में ये कहीं ना कहीं हुआ होगा ये इस तरीके से डेट्स निकाली जाती हैं हालांकि ये जो एविडेंसेज हैं इनको पूरी तरह से विज्ञान जो है वो सपोर्ट नहीं करता लेकिन इस तरीके की बातें जो हैं वो सपोर्ट में कही जाती हैं ये इस तरीके के शिलालेख या कह सकते हैं अभिलेख हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं एक कॉपर प्लेट अभिलेख मिलता है दूसरा जो सोर्स वो कहता है वो केदरा क्षेत्र में मिलता है हिमालयाज़ में और ये भी कहा जाता है कि ये वही गिफ्ट था एक जो जन्म जय जन्म अजय ने दिया था केदारनाथ स्वामी को केदारनाथ स्वामी आप जानते हैं भगवान शंकर जी का वहाँ पे मंदिर है तो केदारनाथ स्वामी जी को उन्होंने वर्शिप के तौर पर यहाँ पे कुछ एक डोनेशन दिया था उस मंदिर के उस धाम को दिया था फिर एक इबाली धारवाल डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक वाला जो हिस्सा है वहां पे भी एक अभिलेख मिलता है जो कि बाद का है काफी जो कि सेवन सेंचुरी एडी का है द्वितीय जो राजा हुए वहां के और उन्होंने लिखा था लिखवाया था ये शिव टेम्पल पे वॉल्स पे लिखवाया था और उसमें महाभारत के बारे में जिक्र किया गया तो ये तो सातवीं शताब्दी का हो गया तो सातवीं शताब्दी वाले को तो हम क्या ही कहें उस दौर तक तो ये सारी चीजें मान्यताएं जो हैं वो हिस्टोरिकली वैसे भी धार्मिक तौर पे मानी जा चुकी थी लेकिन पुराने अभिलेखों को उस समकालीन दौर के या उसके कुछ समय बाद के जो अभिलेख हैं उनको आधार माना जा सकता है ऐतिहासिक तौर पे कि ये रहे होंगे ताम्र अभिलेख होते हैं कॉपर प्लेट अभिलेख मतलब तांबे की पत्ती के ऊपर लिखा जाता है क्योंकि पहले कागज़ तो था नहीं और ताम्र पत्तियों पर लिखा जाती थी चीजें ताम्र युग भी था वो ताम्र युग और फिर ताम्र युग तो पहले आया ना आप जानते हैं कि तांबा पहले था पहले सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल किया गया वो था तांबा उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो उसके बीच में फिर कहा का आ गया ये आयरन आया फिर एक और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो कि एम्पर सुधानवा ने लिखवाया सुधानवा नाम के राजा जो है वो भी एक लेजेंडरी किंग ही है उनके बारे में पूरे एविडेंसेस हमें नहीं मिलते लेकिन एक अभिलेख मिलता है जो कि छब्बीस सौ तिरसठ के बात को बताता है और वो कहता है कि सुधानवा ने श्री शंकरा को एक मेमोरेंडम दिया था और श्री शंकरा की जो डे, डेथ है वो छब्बीस में हुई ऐसा उसमें बताया गया युधिष्ठिर का एरा था वो यानी कि 477 से 476 सौ छिहत्तर बीसी ये बिफोर कॉमन एरा ये वो है ये इस अभी वाला मत सोचेगा कि मतलब युधिष्ठिर के पहले का इस दौर की बात रखी है तो युधिष्ठिर का समय काल अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इकतीस सौ आ जा, माना जाएगा तो इकतीस में युधिष्ठिर राजा बना तो राजा बना अगर इसका मतलब महाभारत युद्ध जीत लिया होगा उसके बाद ही तो युधिष्ठिर राजा बनते हैं तो इस तरह से अलग अलग अभिलेख और अलग अलग तरीके के एविडेंसेस ये चीजें सपोर्ट करते हैं लेकिन फिर फाइनली ये बात आ जाती है कि भाई महाभारत हिस्ट्री है एक माइथोलॉजी है इतनी सारी चीजें हुई तो अभी माइथोलॉजी भी तो मानते हैं ना लोग अभी अगर सारे एविडेंसेस सपोर्ट करते महाभारत को तो हर आदमी उसे हिस्ट्री मानता माइथोलॉजी मानने वाले का पीछे का तर्क क्या होता तो अब दोनों को ही देखेंगे कि क्या है माइथोलॉजिकल नेरेटिव क्या है हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या है फिलोसॉफिकल टीचिंग्स मॉरल लेसन्स बहुत सी चीज़ें हैं महाभारत के अंदर तो आपको गीता भी मिलेगी फिलोसॉफिकल टीचिंग्स धर्म की परिभाषा भी मिलेगी हर एक कैरेक्टर से हमें कुछ मॉरल लेसन भी मिलेंगे कि इस आदमी ने अपने जीवन काल में क्या, क्या क्या किया और उस जीवन काल से हमें क्या निचोड़ मिलता है गंगापुत्र भीष्म की जीवन से हमें क्या मिलता है करण के जीवन से क्या मिलता है भगवान श्री कृष्ण के जन्म से हमें क्या सीखने को मिलता है तो मॉरल लेशन्स फिलोसॉफिकल टीचिंग्स तो मिलती ही हैं लेकिन हिस्टोरिकल इवेंट्स इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जो हमने अभी डिस्कस करी कि भाई ये सारी ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो थी ये तो रियल थी ही लेकिन माइथोलॉजिकल नरेटिव भी तो हैं नरेटिव क्या है उसकी हम बात करें तो अभी मैं आपसे बात करूंगा डिस्कस करूंगा तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो 400 सौ बीसी के बीच तक से लेकर चार सौ के बीच में लिखा गया भले ही लेकिन जो पुराना समय था जिसको हम इतिहास में पढ़ते भी हैं जिसको आज भी जिसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियां ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती हैं जब नई रिसर्च नई आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं तो पता चलता है हमें तो अर्ली वैदिक एज वैदिक एज महाजनपद पीरियड में कुरु नाम का राज्य था इसका पता चलता है और रामायण काल में कौशाला नाम का किंगडम था ये पता चलता है समय काल जो है वो कौन सा माना जाता है 1500 बीसी से 500 बीसी के बीच में आप देखिए ये सब चीज़ें मिलती हैं अर्ली वैदिक से लेके महाजनपद तक मिलती हैं उस तरीके के किंगडम्स उस तरीके के कस्टम्स उस तरीके के सोशियोपोटिकल स्ट्रक्चर ये सभी चीज़ें हमें मिलती हैं जो कि हमें बताता है कि ये तो ऐतिहासिक बातें ही हैं तो किसी की परिकल्पना के आधार पर तो लिखी नहीं गई हैं ये चीज़ें तो हमें देखने को मिलती हैं जियोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं जिसमें कई रॉयल फैमिलीज का जिक्र होता है कुरु डायनेस्टी का भी जिक्र होता है तो ये जो वंशावलियाँ हैं जो मैंने आपको शुरुआत में महाभारत के जब समरी को मैं बता रहा था तब मैंने बताया था कि कुरु वंश कौन सा था कौन कौन से राजा हुए कौन कौन सी बातें थी तो उन चीजों का कहीं ना कहीं कुछ कुछ मैंशन समय मिलता है अलग अलग जैसे कि यजुर्वेद में मिला था तो यजुर्वेद तो रिटर्न में है ही ना अब आप यजुर्वेद में हुई कर्म कांड और अलग अलग धार्मिक चीज़ों को मानते हैं नहीं मानता है कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी तरीके का साइंटिफिक चीज़ों को फॉलोअर हो लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें लिखी गई हैं वो ऊपर से तो नहीं आई हैं उसमें उनका मेंशन ही है तो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में मिलता है जियोग्राफिकल रेफ्रेंसेस मिलते हैं नदियाँ शहर लैंडस्केप्स और ये तमाम वो चीज़ें जो कि आज भी आपको देखने को मिलती हैं तो वो भी आपको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करते हैं हिस्टोरिक ऑथेंटिसिटी की हाँ भाई ऐसी कोई घटना थी आर्कोलॉजिकल एविडेंस अभी हमने डिस्कस किया था चाहे हस्तिनापुर की बात हो कुरुक्षेत्र की बात हो चाहे वो द्वारका की बात हो ये भी सपोर्ट करते हैं कल्चरल और सोसाइटी के जो प्रैक्टिस थे जो जिस तरीके के उस समय यज्ञ होते थे चाहे वो अश्वमेघ यज्ञ हो राजसुय यज्ञ हो ये बातें हमने वैदिक एज और वैदिक एज पीरियड में जब हमने उनका पढ़ा था सोसाइटी का डेवलपमेंट पढ़ा था और सोशल स्ट्रक्चर देखा था कल्चरल स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें हमें पता चलती हैं जो नॉर्म्स वैल्यूज और आइडियोलॉजी थी उनका भी हमें वहाँ पे जिक्र मिलता है और वो महाभारत में भी मिलता है अब मैथोलॉजिकल एलिमेंट्स क्या है कि भाई सब कुछ मिलता है तो फिर मान लो ना इतिहास क्या दिक्कत है दिक्कत ये है कि पहली बात तो उन राजाओं की पूरी व्याख्या नहीं मिलती कि भगवान श्री कृष्ण थे अर्जुन थे या फिर युधिष्ठिर थे और युधिष्ठिर थे तो वो याजा मतलब पांडु के बेटे नहीं थे वो किसी देवता के बेटे थे देवताओं का आना आशीर्वाद के तौर पे बेट बच्चों का जन्म होना ये विज्ञान पचा नहीं पाएगा पचा पचाएगा नहीं मतलब डिस्कस इस चीज़ को विज्ञान नहीं मानेगा आज तक जितनी चीज़ें विज्ञान ने देखी हैं जितने प्रयोगों को वो सिद्ध कर पाया है उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं मानेगा उसके बाद ये कह देना कि एक ऐसा अस्त्र था फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मास्त्र जिसके दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने से पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा विज्ञान इस बात को नहीं मानेगा क्योंकि उस ब्रह्मास्त्र को सिर्फ एक ए, किसी भी तरीके के उच्चारण से मतलब किसी तरीके की विद्या से स, बिना किसी चीज के अपने हाथ पे वो हासिल कर लेते थे उसमें कोई प्रयोग नहीं है जैसे आज हाइड्रोजन बोम है उसको या परमाणु बोम है उसके बारे में हम जानते हैं कि वो कितने विनाशक अस्त्र हैं शस्त्र हैं उनसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है बड़े बड़े शहर बड़ी बड़ी सभ्यताएं खत्म की जा सकती हैं लेकिन उसका हमें पता है ना कि विज्ञान उसके पीछे क्या है कैसे उसके पीछे क्रिया क्या होती है किस तरह से एक्सप्लोजन होता है किस तरह से डिस्ट्रक्शन होता है लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं चलता उस कहानी के हिसाब से और वो अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी थी तो वो टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई बाद में तो वो जो एलिमेंट्स आते हैं उनसे हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये जो घटना है उसके माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स मिल जाते हैं अब माइथोलॉजिकल एविडेंसेज एलिमेंट्स जो हैं वो शायद उस घटना को रोचक बनाने के लिए या उसको डिवाइन बनाने के लिए और या उसका प्रभाव ज़्यादा बड़ा हो दैविक शक्तियों का ज़्यादा प्रभाव हो उस बनाया गया या कुछ और रीजन्स की वजह से बनाया गया वी डोंट नो तो भगवान डेमी गोड्स गोड्स डेमी गोड्स सेलेस्टियल बींग्स इन तमाम चीज़ों के बारे में बात हो रखी थी इंदर वगैरह इंदर लोक वगैरह अलग अलग स्वर्ग नरक इन सब चीज़ों की धारणाओं को बताया गया जो कि रिलीजियस धारणाएं हैं जिनके ऊपर विज्ञान कुछ मतलब विज्ञान कुछ नहीं कह सकता उनको आप प्रूव नहीं कर सकते तो इसीलिए इन चीजों का मैथिकल एलिमेंट्स भी माना जाता है फिर इंटरप्रिटेशन और सिंबोलिज्म महाभारत इज नॉट मेरली ए हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी बट इज रेस्पॉन्सिबल फिलोसॉफिकल टीचिंग्स फिलोसॉफिकल टीचिंग्स कितनी बड़ी फिलोसॉफिकल टीचिंग्स उन्होंने उसमें दे दी भगवत गीता है आप जानते हैं मॉरल डिलेमा स्पिरिचुअल विजडम के बारे में सब कुछ बता रखा है तो ये भी एक बड़ी बात है कि ये इससे अगर हमारा समाज इतना इन्फ्लुएंस है और सामाजिक तौर पे उसका इतना बड़ा प्रभाव है तो सामाजिक तौर पे जिस चीज़ का इतना बड़ा प्रभाव हो उसको मेयरली एक माइथोलॉजी मान लेना भी तो एक तरीके का लोगों की आस्था के ऊपर प्रहार है जो कि नहीं करना चाहिए किसी की भी आस्था पे किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो तो उनकी आस्था पर किसी भी तरीके का अटैक करना इज नॉट गुड फिर बात है लीजेंडरी कैरेक्टर्स और इवेंट्स ये जो कैरेक्टर्स हैं है श्री कृष्णा हो अर्जुन हो द्रौपदी हो भीष्म हो इनके बारे में हमें इनके कैरेक्टर के बारे में इनके चरित्र के बारे में मिलता है कि ये किस तरीके के व्यक्तित्व थे लेकिन इनके होने का हमें सबूत डायरेक्टली नहीं मिलता है शायद कभी कभी मिल जाए आने वाले 2000 साल में हजार साल में 500 साल में या 200 साल में अगर इतना हम डेवलप हो जाएं विज्ञान इतनी तरक्की कर ले आर्कोलॉजिकली कोई हमें ऐसा एविडेंस मिल जाए कैसे निकलेगा वो चीज़ तो वो हमें नहीं पता लेकिन अभी तक हमें उनके बारे में सिर्फ उनके चरित्र के बारे में पता है उनके सच्चाई में होने का हमें कोई वो नहीं है गारंटी नहीं है हमें पता नहीं है अब बात आती है कि महाभारत जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रखता है कल कंक्लूजन के तौर पे हम देख सकते हैं कि उसका चाहे माइथोलॉजिकल नैरेटिव हो लेकिन ऐसी घटना हुई होगी इस बात को बहुत से लोग मानते हैं कि ऐसी घटना हुई होगी कौरवों और पांडवों के कुरुवंश के बीच में किसी तरीके का वॉरफेयर रहा होगा दोनों के बीच में एक परेशानी रही होगी जिसमें पांडव अंत में जीते पांडव अंत में जीते और उनके वंशजों ने कुरुवंश पे और हस्तिनापुर पे रूल किया लेकिन उन चीजों को मानने से बहुत से लोग मना कर देते हैं जो कि बेसिकली मिथिकल एलिमेंट्स को लेके आती हैं कि ऐसा कोई अवतार था जिसके पास ऐसा एक सुदर्शन चक्र था या फिर ऐसी एक ब्रह्मास्त्र था ऐसी ये चीज़ें थी तो बहुत से लोग ना माने जो मानते हैं उनके भी कोई दिक्कत नहीं है जो नहीं मानते हैं उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है बात यह है कि इसमें बहुत सारी मॉरल स्टोरीज मिलती हैं जो कि जीवन में कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है तो उसको सही को जिताने के लिए उसमें बहुत सी कहानियां बताई गई हैं गुढी गई हैं फिलोसॉफिकल एंगल्स दिए गए हैं जिससे क्या है कि उस दौर के समाज को उस दौर के समाज के जो लोग थे उनकी सोच को भी समझा जा सकता है हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे जिन्होंने लिखा भी उन ऋषि मुनियों ने वेद व्यास जी ने उनके शिष्यों ने जिस तरह से भी लिखा वो ड्यूटी को कैसे समझते थे धर्म को कैसे समझते थे राइटफुलनेस को कैसे समझते थे मॉरलिटी एथिक्स को कैसे समझते थे युद्ध वगैरह और जो लॉ है ऑर्डर है एक राजा को कैसा होना चाहिए एक आदर्श व्यक्ति कैसा होता है इन चीज़ों के बारे में बताते थे वो एक बहुत ही कमाल की बात है जिसका प्रभाव इन्फ्लुएंस आज भी आप फील करते हैं समझते हैं कि उसका कितना प्रभाव बड़ा प्रभाव है ठीक है तो ये जो चीज है ये जो नरेटिव है इनका बहुत बड़ा प्रभाव है मेटाफोरिकली ही मान लीजिए चाहे कि कोई कैरेक्टर जिसने इतनी कुछ चीजें बताई कोई आदमी ये बात मानने से भले ही इनकार कर दे कि अर्जुन ने बैटल में रुक के भगवान श्री कृष्ण की बात चौबीस घंटे तक, तक तकरीबन गीता का सार सुना होगा और युद्ध रुक गया उस समय कि युद्ध ऐसे थोड़ी रुक जाता है या कैसे भी अब ये बात जो है वो अपने अपने हिस्से की बात है उस दौर में लोग किस तरह से युद्ध करते थे उनके क्या बेसिकली मॉरल थे किस तरह से युद्ध के भी नियम बनते थे वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं तो इस तरह से हम कंक्लूजन पे पढ़ते हैं कि महाभारत जो है मेरा ओपिनियन मैंने इतना जो पढ़ा तो मुझे कि ऐसी घटनाएं हुई होंगी लेकिन उसमें जो मिथिकल एलिमेंट्स हैं उनको कोई आदमी कहाँ तक स्वीकार करे वो उसकी खुद की मर्जी है उसकी आस्था का विषय है या फिर उसकी रीजनिंग का विषय है उसे तर्क का विषय है हम कभी भी पूरी सच्चाई कभी जान पाएंगे अपने जीवन काल में या नहीं ये तो मुश्किल है कहना लेकिन महाभारत का इन्फ्लुएंस हम समझते हैं कि कितना बड़ा है ओके तो होपफफली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा यहाँ पे आपको इन वीडियोज की पीडीएफ मिल जाएंगी इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे साथ ही आप सक्सेस प्लस अकेडेमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में ही आपको मिलेंगे और चैट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं आपका कोई डाउट हो तो भी मैं एज सुन एज पॉसिबल उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा कोई सजेशन हो तो उसका भी मोस्ट वेलकम है और सक्सेस प्लस अकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स भी आपके लिए हमेशा ओपन है वहां से भी आप जुड़ सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए गुड डे सी यू नेक्स्ट क्लास